नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं IBN 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। 71 नंबर में रहवासियों ने दिखाई जागरूकता, हर एक घर को किया सैनिटाइज और दवाइयों का भी छिड़काव किया। कॉलोनी के जागरूक व्यक्ति बाबूलाल जी के साथ कॉलोनी के अध्यक्ष अमर सिंह परमार ने बताया कि प्रशासन ने जो डोर टू डोर कचरा गाड़ी के साथ राशन के आर्डर की व्यवस्था करी है, वह सुविधा अभी तक कॉलोनी वालों को नहीं मिल पा रही है। कॉलोनी में किराएदारों को सामान की समस्या से जूझना पड़ रहा है, अतः प्रशासन से निवेदन है कि वह इसे और ध्यान दे। बताइए, आप ये आज कॉलोनी में क्या क्या करा गया? सैनिटाइजर हमारे स्वयं से कर रहे हैं, हमारे पैसे से कर रहे हैं, कोई नगर निगम के द्वारा नहीं हो रहा है। यहाँ पर बार बार अपील करने के बाद भी नगर निगम वाले नहीं आ रहे हैं, तो कॉलोनी वाले रहवासी हर घर पर अपने पर्सनल कर रहे हैं, दवाई छीट रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो बार बार अपील करी जा रही है कि दूरी बना के रखें और घर में रहें, अन्यथा 21 वर्ष पीछे चले जाएगा देश हमारा। किसी के घर में कुछ क्षति पहुंच जाती है तो क्या होगा, इससे 21 दिन घर में ही रहना अच्छी बात है। और ये जो आपने बताया है कि अपने डोर टू डोर गाड़ी आएगी और वो करे, ये कोई व्यवस्था हो पाई? डोर टू डोर गाड़ी आएगी, कोई गाड़ी अभी आ नहीं पा रही है, कोई जनता को कुछ मदद मिल नहीं पा रही यहाँ पर। प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? प्रशासन से सभी से अपील करी हमने, पर कोई मदद करने को तैयार नहीं है अभी। आपका नाम? बाबू सिंह चौहान, स्कीम नंबर 71 डी सेक्टर इंदौर। निवेदन करते हैं कि हमारी कॉलोनी में अभी तक कोई गवर्नमेंट की सुविधा दी गई, अभी तक हमें कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई है। हम निवेदन करते हैं कि हमारे यहाँ अभी तक जो भी सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा नहीं मिल रही है और हमें बड़ी दिक्कत आ रही है। कौन सा वार्ड है, कौन सा वार्ड और कौन सा क्षेत्र है? वार्ड क्रमांक 83, जोन क्रमांक 15 हम निवासी हैं। रहते हैं हम गरीब लोग जो, और यहाँ पर कुछ लोग गरीब लोग भी हैं, किराएदार जो गरीब लोग हैं उनको भी कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही है। में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ IBN 9 न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ साधना सिंह।